फ्रांस के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए जे विंट्रॉल को जीवन से विरक्ति हो गई थी। वो 1950 में भारत आए और बनारस में गुरु दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए। उनका नाम हो गया स्वामी विजयानंद। एक दिन अपने आश्रम के बगीचे में वो पानी दे रहे थे। उन्होंने बाबा को किसी व्यक्ति के साथ आश्रम में प्रवेश करते देखा। वे उस व्यक्ति से कहते जा रहे थे, ये अंग्रेज है। इससे तात्पर्य विदेशी होने से था। उन्होंने बाबा को कभी देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं पाए। बाबा का आश्रम में स्वागत हुआ और सभी आश्रमवासियों को बुलाकर उनका दर्शन कराया गया। इसी प्रकार अन्नपूर्णा के मंदिर में भी सभी को बाबा के दर्शन हुए। स्वामी विजयानंद को देखकर बाबा ने कहा, संत है, यहाँ इसकी तबीयत लगी है, पर ये पहाड़ जाएगा। उन्होंने फिर दोहराया, पहाड़ जाएगा। उस समय स्वामी जी के दिमाग में पहाड़ जाने का कोई विचार ही नहीं था। वे आश्रम में ही रह के अपनी साधना पूरी करना चाहते थे। इस घटना के 2 वर्ष बाद यानी 1959 में स्वामी जी के मन में अल्मोड़ा के पर्वतीय इलाकों में भ्रमण करने की इच्छा पैदा हुई। स्वामी जी अल्मोड़ा भ्रमण के पश्चात अपने आश्रम लौट आए, लेकिन पर्वतीय अंचलों की सुरम्यता ने उनका मन मोह लिया। अगले वर्ष के प्रारंभ में ही स्वामी जी फिर पर्वतीय अंचलों में चले गए और यहीं वास करने लगे। प्रथम दर्शन में ही बाबा की वाणी अनायास निकले शब्दों की सार्थकता पर स्वामी विजयानंद को काफ़ी आश्चर्य हुआ। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा ही जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।